नमस्कार। तो ईवीएम एक बार फिर से कटघरे में है। इस पर एक बार फिर से देशव्यापी नहीं, इस बार वैश्विक बहस छिड़ गई है और इसको वैश्विक बहस बनाया है बिजनेस टाइकून एलन मस्क के एक ट्विटर वाले बयान ने, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय राजीव चंद्रशेखर ने भी पलटवार करते हुए उनके इस बयान पर संदेह जताया है। उन्होंने इस बयान को खारिज किया है और कहा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसे हैक नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि जो जिस सोच को लेकर वो अमेरिका में बयान दे रहे हैं, अमेरिका के लिए बयान दे रहे हैं, वो भारत में लागू नहीं होती। इस बयान के बाद और इस बयानबाजी के बाद जो विवाद छिड़ा, इसी के पैरेलल मुंबई में भी एक घटना हुई। मुंबई में जो रविंद्र वायकर है सांसद, जो 48 वोटों से जीते हैं, शिंदे शिवसेना ग्रुप के हैं, इन पर भी संदेह जताया था। ईवीएम हैक करने की बातें आई थी, इनके साले की गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो भी घटनाक्रम चला, उसी को देखते हुए मुंबई में इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें तमाम वो दावे खारिज किए गए जिसके जरिए ये बताया जा रहा था कि मोबाइल के जरिए भी ईवीएम को हैक किया जा सकता है। कुछ लोकल पत्रकार थे महाराष्ट्र के, उन पर कार्रवाई के लिए उनको नोटिस भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से थमाया गया। तो ये बहस कहीं ना कहीं इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं एक तरह से डिफेंड करता रहा और विपक्ष के तमाम नेता जो बयानबाजी करने लगे। राहुल गांधी ने तो जो ईवीएम है उसको ब्लैक बॉक्स तक करार दिया। यह बहस अब और भी आगे जाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार नेताओं के बयानबाजी इस पर हो रही है। लेकिन इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं चार राज्यों में, फिर उसके बाद 2025 में भी विधानसभा चुनाव है, कि ईवीएम आगे यूज की जाएगी या इसकी जगह बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। आज बीजेपी से विकास भालोटिया जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भालोटिया जी। कांग्रेस से डॉक्टर सीबी यादव जी हैं, यादव साहब आपका स्वागत है। और साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, आपका आज बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर लगातार जो 10 सालों से मोदी कार्यकाल के दौरान ये बहस ज्यादा बढ़ी है, लेकिन ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी ईवीएम पर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास भालोटिया जी, बीजेपी से आपसे पहला सवाल, ये जो विवाद चल रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह डिफेंड करेंगे इस बात को कि चुनाव आयोग की जो की तरफ से जो बयान दिया गया है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, इसे हैक नहीं किया जा सकता, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, ईवीएम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उन्होंने मिलके ये कांग्रेस राज में पहले से चालू है, ये तो है चालू हुई इससे ईवीएम से उठ और सिर्फ एक विपक्ष थोड़ा पीट रहा है। और अगर ये बात सच हो तो इनकी 99 सीटें आई, गठबंधन की जो सीटें वो सीटें नहीं आती, ये बात खारिज की जाती है, क्योंकि ईवीएम से ऐसी कोई भी हैकिंग वगैरह ये कुछ नहीं हो सकता। इसको बड़े बड़े देश के जो साइंटिस्ट है, बड़े बड़े इंजीनियर है, उन्होंने इसको सर्टिफाई किया है, ये बिल्कुल सही है। और बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराए जाएंगे तो उसमें देश का इतना पैसा और इतना टाइम खर्च होगा जिसकी कोई हद नहीं है भालोटिया जी। लेकिन एक और बात कहना चाहूंगा कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब विपक्ष में बैठकर बीजेपी भी ईवीएम का कहीं ना कहीं विरोध करती थी, खुलकर विरोध करती थी, तो फिर वो उस टाइम तो वो विरोध ठीक उसके ठीक मायने लगाते थे आप लोग। आज अगर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो क्या दिक्कत है ईवीएम का? कोई तीसरा अगर बैलेट पेपर के जरिए अगर महंगा खर्चा बैठता है तो इसके लिए विचार विमर्श तो किया जा सकता है। तमाम जो सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता हैं उनके बीच एक कमेटी निर्धारित की जाए और कमेटी में निर्णय लिया जाए कि ये ईवीएम को लेकर जो संदेह है उसकी स्थिति क्लियर हो। ये सारी चीजें को या ईवीएम से छेड़छाड़ क्यों करे, अब इन कोई सिम या ऐसी कोई चिप थोड़ी है मोबाइल के जरिए फोन के हैक किया।
चलिए सीबी यादव जी से पूछते हैं। यादव साहब आपका क्या कहना है, विपक्ष पूरी तरह से लगातार इसका कंटिन्यू विरोध कर रहा है, आप किस तरह मानते हैं, क्या संदेह है आपको, क्योंकि अभी जो मुंबई में जिस बात को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ था, गिरफ्तारी भी हुई थी, जो रविंद्र वायकर है 48 वोटों से वहां चुनाव जीत गए थे, शिंदे ग्रुप के सांसद बने हैं, और उस पर उनके जो पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया था विपक्ष की तरफ से, और गिरफ्तार भी हुई थी उनके साले की, लेकिन चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि मोबाइल के जरिए कोई ओटीपी भेजकर और इसको ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शिकायत दर्ज करना है एक चीज, कि उसके साथ ओटीपी से उसको है सीबी यादव आरोप लगा रहे हैं, बालोटिया जी सीबी यादव साहब से पूछ रहा हूं मैं, सीबी यादव साहब क्या है, मैंने सवाल सीबी यादव साहब आपसे कांग्रेस से सवाल है, क्योंकि आपके नेता लगातार विरोध करते हैं, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहा है, जवाब दीजिए यादव साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे यादव साहब? सीबी यादव जी सीबी यादव जी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? यादव साहब आवाज आ रही है मेरी? चलिए अभिषेक जी से पूछ लेते हैं, अभिषेक जी आपका बहुत बड़ा रोल है आज की डिबेट में, क्योंकि ईवीएम पर लगातार कई जो एक्सपर्ट अलग अलग बयान देते रहे हैं, सबसे बड़ी बात तमाम जो विपक्षी संगठन है उन्होंने लगातार विरोध किया है ईवीएम का, ईवीएम को क्या हैक किया जा सकता है, पहला सवाल तो ये, और जो एलन मस्क हैं बिजनेस टाइकून हैं, आईटी सेक्टर का भी बहुत बड़ा नाम है, हालांकि यूं तो उनकी टेस्ला कंपनी है बहुत बड़ी, लेकिन आईटी सेक्टर में भी उनका बहुत बड़ा नाम है, ऐसे में क्या मायने हैं उनके बयानों के, कितना आप इससे इनके बयानों को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, जानना चाहूंगा। बालोटिया जी आप कह रहे हैं कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, लेकिन जो जिस तरह अभी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार विपक्ष ने इसका विरोध किया, और कुछ मामले ऐसे देखने को मिले जिसमें ईवीएम की जो गाड़ी है उनका परिवहन देर रात को हो रहा था, कई जगह जो विपक्षी नेताओं ने उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने विपक्षी जो ईवीएम से भरे जो गाड़ियां हैं उनको पकड़ी, और ईवीएम का पिछले 10 साल से लगातार जो विरोध किया जाता रहा है। दूसरी बात ये कि ईवीएम हार्डवेयर है लेकिन ईवीएम में एक सॉफ्टवेयर होता है, नो डाउट इतना तो मैं कह सकता हूं कि ईवीएम में अगर कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी लेवल पर अगर कोई पासवर्ड या कोई कोड नहीं है तो ईवीएम को हैक किया जा सकता है ओटीपी के जरिए, हाँ ये नहीं माना जा सकता कि कोई मोबाइल से कनेक्शन उसका हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल हो सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी जो भी हैं उनके कंट्रोल में ईवीएम मशीनें और पुलिस प्रशासन की निगरानी में रखी जाती हैं, वहां कड़ा पैरा रहता है चुनाव के बाद। अब आप अगर इस चीज को कह सकते हैं कि एक कोई आदमी वहां जाए और वहां के साथ वो छेड़खानी करे, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब सीबी यादव जी भी आ गए, यादव साहब आपसे ही सवाल था, बीच में नेटवर्क के इशू आ गया था, आपके नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स है ये, लेकिन जब यूपीए गवर्नमेंट में जब इसी ब्लैक बॉक्स से चुनाव हो रहे थे और सरकार बन रही थी तब ये ब्लैक बॉक्स कहा गया था, अब 10 साल से आप मोदी सरकार है तो इसका विरोध कर रहे हैं, और अब आपको मौका मिल गया एलन मस्क के जो बयान के बाद में, तो आप इसमें कूद पड़े और लगातार इसका जो मौका देखकर आप चौका लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने इस बात को तूल दे दिया है पूरे देश में, और अब ईवीएम को लेकर जिस तरह की सत्ता पक्ष कहता रहा है कि विपक्ष है जो हमेशा ईवीएम का रोना रहता है, तो क्या इस बार इस बहस को और तेज आगे बढ़ाएंगे आप?
यादव साहब विजय जी, विपक्ष की जिम्मेदारी विजय जी विपक्ष की जिम्मेदारी होती है जनता की आवाज को उठाना। ईवीएम की आवाज कोई विपक्ष की आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। नंबर एक बात, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना। एक बार के लिए इस बात को थोड़ा सा हटा देते हैं कांग्रेस बीजेपी से। लोकतंत्र में, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण जो बिना और जो सत्ता आती है उसमें जो लोग स्वीकार करते हैं कि ये आ रहे मेरा प्रधानमंत्री है, इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उसका चुनाव प्रणाली में विश्वास होता है और उस चुनाव प्रणाली में कि मैंने मत दिया उस मत यहाँ गया। अब सवाल उठता है अगर ईवीएम पर संदेह खड़ा हो और ईवीएम सवालों के घेरे में आए, न केवल यहाँ बल्कि दुनिया में हर जगह सवालों के घेरे में है, तो मैं ये नहीं कह, पहले तो वो सवालों के घेरे में क्यों, तो बाद में बताऊंगा, मैं उस पर तो बाद में आऊंगा। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ऐसा क्यों लगता है कि वो ईवीएम के पक्ष में आके खड़ी हो जाती है, वो क्यों? क्योंकि वो अगर लोकतंत्र पे कोई सवाल खड़ा होता है तो ये केवल कांग्रेस पे नहीं, वो बीजेपी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और इस सवाल का जवाब ढूंढना, एज ए, आप थोड़ी सी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए कि आप एंकर हो, एज ए पत्रकारिता के स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि इस सवाल का एक स्पष्ट और ठोस जवाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नंबर एक, क्या दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था है जो अपने आप में पूर्ण हो और जिसमें सुधार की गुंजाइश न हो? मेरा दूसरा सवाल है, क्या ऐसी व्यवस्था बालोटिया जी से मैंने अभी बोला इसी बात को लेकर कि कोई कमेटी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बन सकती है जिसमें कि कोई निर्णय तीसरा निर्णय हो सकता है ईवीएम को लेकर, ये मैं अभी बयान, ये जो बालोटिया जी के बयान के बाद में मैं ये बात कह चुका हूँ जी। सुना था उन्होंने कहा कि खर्चा बहुत तो ईवीएम से हटा देंगे। लोकतंत्र का सवाल के समक्ष ये जो खर्चा है बैलेट पेपर का, ये कोई बहुत ज्यादा, हम ये नहीं कह रहे कि बैलेट पेपर पे हो, ये तो बात ही नहीं है। सवाल ये है कि जो ईवीएम जो कल, है कल को फिर अरे विजय जी, कल को विपक्ष ये कहेगा कि बैलेट पेपर की गाड़ियां लूट ली, ये हो गया, ये कर दिया इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के सिवा विपक्ष जो है कह रहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए, तो लोकतंत्र बचाने के लिए आप काम कीजिए, तो चीजें उनको प्रूव कीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ है। विजय जी धैर्य से सुनना सीखो पहले, तो आपके बीच में हमने आपको बिल्कुल धैर्य से सुना। मेरा दूसरा जो विजय वर्मा जी, जो मेरा दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष था कि ये खर्चे को लेकर के हम इसमें इस सवाल का जवाब ईवीएम पे, ईवीएम ही कंटिन्यू रहे, ईवीएम सुरक्षित है, इस सुरक्षित होने का जवाब ढूंढना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर कोई संदेह उत्पन्न हुआ है तो उस संदेह का दूर किया जाना इस लोकतंत्र के लिए जरूरी है या नहीं है, ये बुनियादी सवाल है बजाय हम ईवीएम पे आए। अब मैं ईवीएम पे आता हूं तो महत्वपूर्ण बात इलेक्शन कमीशन कहता है, नंबर एक, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बाहर किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता क्योंकि इसमें चिप नहीं होती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ चिप लगाने की, लगाने में क्या जाता है, क्या हर्ज है कि इसमें चिप नहीं लगाई जा सकती? ये कौन प्रूव करेगा कि इसमें चिप नहीं है? क्या किसी ने खोल करके इसमें देखा है? ये आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, अभिषेक शर्मा जी जरूर इस बात को रखेंगे, क्या कोई मशीन में क्या चीज लगाई गई है ये आपको और मेरे को क्या पता? इसका निर्माता कंपनी भेल है, इसकी निर्माता कंपनी ECIL है जो सरकार की है, जहां भी पता लगा कि चार चार डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें नियुक्त है। और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसी ऐसी सत्ता रूप नैतिकता के चरम पतन तक वो जा सकते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए, तो क्या वो इस सिस्टम को मिसयूज नहीं कर सकते? क्या उन पर विश्वास कर सकते? ये सवाल अभिषेक जी से पूछ लेते हैं। अभिषेक जी कितना मानते हैं आप, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से कि जो एलन मस्क ने जो बयान दिया उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? दूसरा, जो विपक्ष लगातार विरोध करता रहा है, ईवीएम पर सवाल खड़े करता रहा है, ईवीएम को असुरक्षित बताता रहा है चुनाव के नजरिए से, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इसको हैक किया जा सकता है? क्या इसमें किसी तरह का कोई ओटीपी दिया जा सकता है किसी मोबाइल पर या किसी और डिवाइस के अंदर? जानना चाहूंगा अभिषेक जी। बिल्कुल सर, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो ईवीएम मशीन है इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ईवीएम में एक माइक्रोचिप लगती है जिसको मास्क चिप बोलते हैं, जिसकी हेल्प से मतलब इसमें जो जो भी इसका वर्किंग होता है पूरा उससे होता है,
और एक बार इसका बटन दबाने के बाद में, यानी कि जैसे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर वो जैसे ही अपना एक बटन प्रेस करता है, उसके बाद जो भी यूजर है वो यूजर अपना एक बटन प्रेस करेगा, उसके बाद में उसमें और कोई बटन वर्क नहीं करते हैं। तो ये कहना तो मतलब बेकार है कि मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ की जा सकती है, क्योंकि जो भी यूजर है, जो भी मतदान करने वाला है, एक बार वो अपनी मर्जी से अपना मतदान कर दिया, उसने करने के बाद में उस चीज का वेरिफिकेशन भी होता है, और जब जब भी हम वोट देते हैं तो हमारी मशीन पर डिस्प्ले भी आता है कि आपने जिस भी कैंडिडेट को आपने वोट दिया है उसकी डिटेल्स भी आती है। तो ये कहना सर बिल्कुल गलत है कि एक बार वोट करने के बाद में उसमें, यानी कि कोई भी डेटा उस पर अपडेट हो गया, उसमें कोई चेंज हो सकता है। और दूसरी बात, अब मैं अपनी दूसरी बात पर आता हूँ, प्लीज एक बार अभिषेक जी पूरा कर लें बात, मैं उनसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एक सवाल, बस छोटा सा सवाल है अभिषेक जी आप यादव जी अब आप धैर्य रखिए, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, इन्होंने सही बात बोली तो अब आप विरोध में खड़े हो गए। नहीं, मैं विरोध में नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कैसे, क्योंकि आप ईवीएम को चेक नहीं किया कभी, या चेक किया है आप वही बात। ईवीएम का वर्किंग मॉड्यूल है, जो ईवीएम का वर्किंग मॉड्यूल है, जो इसका प्रोसीजर है वर्किंग का, वो मैंने पूरा देखा है, ठीक है, ये किस तरह से वर्क करता है ये चीज मैंने पूरी देखी है, उसके ब्याह पे ही मैं आपको चीज बता रहा हूँ। दूसरी बात, इसमें ना ही तो कोई ब्लूटूथ का कनेक्शन होता है, ना ही वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, ना ही इसमें कोई सिम कार्ड का कनेक्शन होता है, और ना ही इसमें कोई किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्शन इसमें दिया जा सकता है। तो ये कहना तो गलत है कि किसी भी ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, क्योंकि चीज वही हैक हो सकती है जिसमें किसी तरह से कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। दूसरी बात, इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसको कि आप हैक कर सकते हो, इसमें एक चिप बेस्ड वर्क है, ये चिप है, चिप को जिस तरह से मतलब उसका वर्किंग उसको दिया गया है, या चिप का अगर मैं बोलूं कि एक तरह से इसमें रोबोटिक एक इंस्ट्रूमेंट इसमें फिट करा गया है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये वही चीज काम करेगा, इसको आप और हम मिलकर इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव या कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं। विजय जी एक बात बीच में कहना चाहूंगा, ईवीएम मशीन के साथ एक वीवीपैट मशीन और थी साथ में, जिसमें अभिषेक जी ने बताया कि आपका वोट कहाँ गया है, वो डिस्प्ले होता है उसमें, वो पर्ची प्रिंट होती है वो उसके अंदर रहती है। चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले एक चीज कही थी कि अगर किसी को ईवीएम पे संदेह हो किसी भी लोकसभा क्षेत्र में, तो वो उम्मीदवार 3 वीवीपैट मशीनों को चेक करवा सकता है, जिसका खर्चा उसको पे करना पड़ेगा, और वो उसमें अपने वोट काउंट चेक कर सकता है और पर्चियां निकाल के गिन सकता है। अब मैं यादव जी से पूछना चाहूंगा या विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि 543 जो लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ जिनका रिजल्ट आया, उसमें से एक भी सीट मुझे बता दीजिए जहां उम्मीदवार ने वीवीपैट मशीनों की काउंटिंग करवाई हो। जवाब दीजिए यादव साहब। और मेरा एक सवाल और है आपसे, जब चाहे राजस्थान की बात हो चाहे कर्नाटका की बात हो, कहीं पर भी जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं और जहां जहां चुनाव जीती है कांग्रेस, जब चुनाव जीतती है तब बिल्कुल शांत बैठ जाती है, तब ईवीएम के बारे में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं होता है, और जैसे ही बहुमत से पीछे हटती है या बुरी तरह चुनाव हार जाती है तब विपक्ष पूरी तरह ईवीएम पर पूरा पूरा ठीकरा फोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तरह रही है, अगर ईवीएम आपको धोखा दे रही है तो हर बार धोखा देगी, क्योंकि जो सिस्टम की बात कर रहे हैं आपके, सत्ता पक्ष के हाथ में सिस्टम है पूरा, और वो अपने ईवीएम को हैक कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को उन्होंने हैक कर रखा है, तो वो तो हर बार कर सकता है, फिर आपको जीतने कौन देगा? यादव साहब, ये सवाल बार बार आता है, लेकिन इस सवाल से क्या ये सवाल गायब हो जाना चाहिए जो जनता के मन में संदेह उठ रहा है? जो हम, मैंने पहले शुरुआत में कहा, सवाल ईवीएम का नहीं है, सवाल विश्वास का है। सवाल ईवीएम का नहीं है कि ईवीएम सही है या गलत है, सवाल यह है कि उस संदेह को दूर होना चाहिए। क्या यह सवाल और संदेह दफन कर दिए जाने चाहिए? क्या यह हमेशा के लिए दफन कर दिया जाना चाहिए? नंबर एक बात, सवाल यह है। सवाल दूसरा है, अभिषेक जी जो जो चीजें बता रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बता रहे हैं, मशीन के ना प्रोसीजर को चेक किया ना और चीजें, उसके आधार पे उन्होंने एक राय बनाई। कौन सा इलेक्शन कमीशन? वो इलेक्शन कमीशन जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलता है, वो इलेक्शन कमीशन जिसमें दो चुनाव आयोग, वही इलेक्शन कमीशन जो पहले कांग्रेस यूपीए राज में यूपीए की भाषा बोलता था, आप ऐसा कहना चाहते हैं?
जो ना वो इलेक्शन कमीशन जिसके दो जो दो रैंक चुनाव आयोग चुनाव जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को विपक्ष के सहमति को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दो एजेंटों को वहां पे नियुक्त कर दिया जाता है। वो इलेक्शन कमीशन जिसका एक चुनाव आयोग चुनाव से जस्ट पहले क्यों त्याग पत्र दे देते आज तक नहीं पता है। उस इलेक्शन कमीशन की जिसकी पूरी बात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देती है उस कमीशन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आप अगर यादव जी इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता तो ये जो राजस्थान में 11 सीटें प्लस पूरे भारत में जो सीटें आई है वो नहीं आती। अभिषेक जी 25 की 25 सीट आ जाती। एक बार मैं अभिषेक जी से और जानना चाहता हूं कि एलन मस्क ने जो बयान दिया कि ईवीएम को मानव के अलावा एआई के जरिए भी हैक किया जा सकता है। जी नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो ये मशीन है इसको किसी भी एआई के थ्रू हैक कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन है, ना इसमें लैन कनेक्शन है, ना इसमें वाईफाई है, और ना ही इसमें कोई ब्लूटूथ है, ना इसमें कोई इंफ्रारेड है। अगर एआई भी किसी भी तरीके से अगर ईवीएम मशीन को जानकारी कैसे बता रहे हो आप, बता कैसे रहे हो, किस आधार पे बता रहे हो आप सर, किस सोर्स पे बता रहे हो? इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया, आपने चेक नहीं किया क्या उसके भीतर एक ऐसा तानाशाह चिप नहीं लगा सकता? आप कैसे कह सकते हो आप इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पे आप भ्रमित कर रहे हो? यादव साहब आप भारत के राष्ट्रपति को तानाशाह बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, वो व्यक्ति जो अपने आप पूरे भारत का पूरे देखिए ऐसा है प्रतिनिधित्व करने वाले हैं आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री जी, वो किसी पार्टी के नेता नहीं है। आपका कहना है एलन मस्क ने जो बयान दिया, जो ट्वीट किया, ईवीएम को लेकर जो संदेश जाहिर किया और अमेरिका में इस पर बैन लगाने की बात कही, इसके हैक लगाने के आरोप लगाए, तो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून वो आदमी क्या इस तरह का कोई गैर जिम्मेदाराना बात कह सकता है, गैर जिम्मेदाराना ट्वीट कर सकता है? क्योंकि यही बात, इसी बात को पकड़ा है विपक्ष ने। सबसे बड़ी बात है कि जो एलन मस्क और जैसे लोग जब कोई बयान देते हैं तो उसको फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, उसको उस पर सब बहुत गंभीरता से लेती है, यहां तक कि सरकारें भी गंभीरता से लेती है। जब वो एलन मस्क निकलते हैं किसी भी देश की तरफ निकलते हैं, थोड़ा सा मैसेज आता है कि वो इंडिया आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा जो मामला हो जाता है। वहां की सरकार है उनका भव्य स्वागत करती है, कई सेशंस में प्रोग्राम्स जो डिजाइन होते हैं। तो इतना बड़ा आदमी जिसको बिजनेस टाइकून कहते हैं पूरे वर्ल्ड का, वो इतना गैर जिम्मेदारान तरीके से बोल सकता, कोई तो आधार होगा उनके जो इस बयान का, स्ट्रीट वाले बयान का? अभिषेक जी सर देखिए इसके ऊपर मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। अगर एलन मस्क ये बोलते हैं कि एआई के थ्रू या किसी भी टेक्निक के थ्रू जो ईवीएम मशीन हैक हो सकती, तो वो करके क्यों नहीं दिखाते हैं? वो भी एक एक्सपर्ट है, उनके पास, वो आज अमेरिका कंट्री में है, अमेरिका कंट्री के पास में एक से बढ़कर एक टेक्निक्स है। अगर पॉसिबल है ईवीएम मशीन को हैक करना, तो एलन मस्क खुद उसको हैक करके दिखाए मशीन, उन्होंने आज तक क्यों नहीं करके दिखाई? आज का जो देश है, सभी लोग जो है प्रैक्टिकल चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, कोई भी वर्डिटिकल चीज के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। और अगर ऐसा है तो एक बार वो करके दिखाएं, तब इस चीज से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो ईवीएम मशीन है वो किस तरह से हैक हो सकती है। चलिए मान लेते हैं बालोटिया जी कि ये ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, और ये मान लिया जाए कि ना तो एआई के जरिए इसके अंदर जाया जा सकता है, इसके डाटा को देखा जा सकता है, छेड़छाड़ की जा सकती है, और ना ही इसमें इंटरनेट जुड़ सकता है। लेकिन अगर क्या दिक्कत है, अगर विपक्ष की बात को मानकर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, कोई तीसरा रास्ता निकाला जाए, अगर बैलेट पेपर के जरिए निकालें तो तीसरा कोई रास्ता निकाला जाए, व्यवस्था, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है भारत और इसी के लिए जाना जाता है। यहां पर एक रूपता से फैसला नहीं लिया जा सकता, सुझाव लिए जाते हैं हर चीज में, छोटे से छोटे, और जहां पर पूरा देश के लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी हुई है, जिस आधार पर, जिस चुनाव के आधार पर, तो वहां पर तो ये एक कमेटी बन सकती है, इस तरह की कोई मध्यस्थता हो सकती है और उस पर कोई तीसरा रास्ता निकल सकता है। इसमें सत्ता पक्ष को क्यों दिक्कत है इस बात को कि ईवीएम में हैक नहीं किया जा सकता? जी
आप कह रहे हैं तीसरा रास्ता निकाला जाए, अरे जब उस चीज पे आप किसी बात को कह रहे हैं उसको प्रूव तो करिए, उसके बाद तीसरा चौथा सारे रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन कल को आप दूसरी चीज आएगी विपक्ष उस पे भी रोना शुरू कर देगा, तो फिर देश इसी तरह एक्सपेरिमेंट थोड़ी करता रहेगा। आप उस चीज को प्रूव करिए। यादव साहब जवाब दीजिए, आप मान किसी के खिलाफ क्योंकि ईवीएम के अलावा भी आप लोग इलेक्शन कमीशन के भूमिका पर भी आरोप लगाते रहे कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह जो सत्ता पक्ष को मोदी सरकार को सहायता करता रहा पूरे इलेक्शन में। बताइए यादव साहब। विजय जी जब सवाल देश के लोकतंत्र का और सवाल उस विश्वास का हो जिसपे सत्ता हस्तांतरित होती हो, ये छोटा सवाल नहीं है। पहली बात, क्या इस पे, मैं कह रहा हूँ बहस की बात छोड़िए, क्या इस पे सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के कोई इस पे आगे अध्ययन करना सोचना, क्या ये इस देश के लिए इतना बड़ा गुनाह हो गया कि देश की चुनाव प्रणाली में सुधार मन का कोई व्यवस्था अपने आप पूर्ण नहीं होती, उस व्यवस्था में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो क्या हम इस व्यवस्था में सुधार के लिए, ये जो व्यवस्था है उसमें जनता का विश्वास बनाने के लिए, क्या जॉइंटली कोई कमेटी बनाकर के इस पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता? क्या इस सवाल को अगर कोई खारिज कर रहा है तो फिर तानाशाह कैसे होते हैं? यादव जी, जनता का विश्वास है तभी तो वोट डालती है जनता। नहीं नहीं, वोट तो अब आप देखिए, सबसे पहले इस पे जो सवाल उठाया वो डेमोक्रेसी एट रिस्क इनके स्पोक्स पर्सन जीवी नरसिम्हा राव ने उठाया है, तात्कालिक स्पोक्स पर्सन ने पूरी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के 3 रेफरेंसेज में देता हूँ आपको। पता, उस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है लाल कृष्ण आडवाणी ने, और उस पुस्तक का एक चैप्टर लिखा है चंद्रबाबू नायडू ने। इस पुस्तक के 3 रेफरेंसेज है जो अलग अलग स्टडी में देते हैं। हैदराबाद का टेक्निकल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है हरिप्रसाद, जिन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी के साथ में ईवीएम को हैक करके मॉक ड्रिल दिया, इसी पुस्तक में जो बीजेपी के द्वारा लिखी गई है, जिसको अभिषेक जी तो केवल एक उसके आधार पर, मतलब जैसे मुझे लगता है कि कोई एक्सपर्ट की भाषा ही नहीं है वो, आज साइबर एक्सपर्ट किसी भी चीज को कहीं भी करके दिखाया गया, तो आप भी उसको करके दिखा दीजिए ना दोबारा। मिशिगन यूनिवर्सिटी का रिसर्च क्या कह रहा है इसी पुस्तक में जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने लिखा है, उन्होंने लिखा, आप ही के द्वारा कही गई बातें बोल रहे हैं हम विकासी, आप ही के स्पोक्स पर्सन जीवी नरसिम्हा की पुस्तक, जीवीएल नरसिम्हा की पुस्तक के रेफरेंसेज दे रहा हूं विकासी, कोई अलग नहीं। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने कहा ईवीएम को न केवल हैक किया जा सकता है बल्कि इसके परिणामों को बदला जा सकता है। आप देखें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डील इसी पुस्तक का रेफरेंस दे रहा हूं, जो कह रहा है ईवीएम को हैक भी कर सकते हैं, परिणामों को भी बदल सकते हैं और चाहे जैसे कर सकते हैं। ये आप ही के स्पोक्स पर्सन जिसमें लाल, अब आज 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 की तारीख में एक बार मुंबई में जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर जो मुंबई में इलेक्शन ऑफिसर ने जो बयान दिया था, जो सफाई दी थी कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, उस पर जो उनका बयान सुन लेते हैं पहले एक बार। सो यहाँ इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो ये जो न्यूज है वो गलत न्यूज है। गलत न्यूज के लिए हमने जो कंसर्न न्यूज पेपर है उनको सेक्शन 499 और 505 के नोटिस इश्यू किए है आज। बताइए विजय जी, यादव साहब बताइए, अब हमने भाई सुनिए उन्होंने कन्नन गोपीनाथन जिन्होंने ईवीएम पे काम किया, मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम गलत है, मैं सवाल बता रहा हूँ। उन्होंने कहा वीवीपैट मशीन को ईवीएम से जोड़ा जाता है, तो क्या वो बाहर से जोड़ने वाली डिवाइस नहीं है? ईवीएम को आपने कर दिया वीवीपैट में, अगर प्रोग्राम दे दिया आपने, वो ईवीएम के प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ये सवाल जब उठ रहे हैं, तीन सवालों का निस्तारण लोकतंत्र में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और मेरा ये मानना है। आप ये कह रहे हैं यादव जी, इस चीज को आप प्रूव तो करिए ना। तो प्रूव तो हम बैठेंगे तब करेंगे ना, इलेक्शन कमीशन ईवीएम देगा तब करेंगे ना। इलेक्शन कमीशन ईवीएम देने के लिए तैयार है क्या? अभिषेक जी को इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम दी नहीं, वो उनकी रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स क्यों कर रहे हैं? अरे भैया उनके उसके पास पहुंच नहीं सकते, उसको चेक नहीं कर सकते, कैसे प्रूव करेंगे? क्या कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह नॉन बायोलॉजिकल तो हम है नहीं विकास जी, जो हम वहां परमात्मा बनकर के उसको चेक कर देंगे?
चेक तो तभी होगी ना जब मशीन सामने आएगी। आप इलेक्शन कमीशन से मशीन दिला रहे हो क्या एक्सपर्ट्स को? अब वो दिलवा दो, फिर वो संदेह दूर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन बुलाता है, देखिए आप हाथ नहीं। अच्छा, कपिल सिब्बल है कांग्रेसी नेता, वो भी कपिल सिब्बल कांग्रेसी नेता, वो भी लगातार जो बयान देते रहे हैं और काफी अनुभवी एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट रहे हैं वो। उन्होंने ईवीएम को लेकर पूरे इलेक्शन के बीच में लगातार बयान दिए, चुनाव आयोग की जो भूमिका पर भी सवाल उठाए। तो ईवीएम पे सवाल तो देश के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े वकील और यहाँ तक कि पूर्व न्यायाधीश तक लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कोई ना कोई मध्यस्थता के जरिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन अभी तो ये बहस छिड़ गई है। इसको कंटिन्यू जारी रखते हैं बहस को। सीबी यादव जी के बाद वापस विकास भालोटिया जी के पास आऊंगा। भालोटिया जी, सीबी यादव जी ने बहुत सारे तथ्य रखे हैं जिनके आधार पर आप ही के नेताओं के बयान, जिनमें ईवीएम के लिए को लेकर ईवीएम के खिलाफ बयान दिए हैं कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, कि अब क्या कहना चाहेंगे आप? कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी तथ्यों के आधार पर तो ऐसा कोई फैसला दिया नहीं होगा कि उन्होंने उस मशीनों को चेक भी करवाया होगा, पूरी जांच भी करवाई होगी, तभी तो फैसला दिया होगा विजय जी। ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं कि उसने कोई फैसला दिया हो बिना किसी तथ्य के। और न्यायपालिका देश में सर्वोच्च है, सबसे बड़ी है, जब अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है। दूसरी बात, यादव जी कह रहे हैं जनता का, अगर जनता में ये चीज होती, जनता ऐसा करती तो फिर वोट ही नहीं डालती जनता। और इनकी जो सीटें आई है वो सीटें अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो वो सीटें नहीं आती, फिर ये सीटें कैसे आ गई? जिस स्टेट में जीत जाए, जहां इनकी सरकार बन जाए, वहां ईवीएम बिल्कुल साफ है। और जहां इनको लगे कि अब सरकार नहीं बन रही है तो सबसे पहला रोना ईवीएम का ही आता है। यादव साहब बताइए, अब आने वाले टाइम में 4 राज्यों के चुनाव भी है, क्या चाहते हैं आप? ईवीएम से होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? और अगर नहीं होते हैं तो आप आवाज तो उठाते रहे, इस बार भी हम लोकसभा चुनाव से पहले भी विरोध कर देते, बहिष्कार कर देते कि ईवीएम से हम चुनाव के पक्ष में नहीं है, लेकिन आप तो, आप लोगों ने तो इसका खुलेआम में विरोध भी नहीं किया, क्योंकि इसका तो सीधे तौर पर रास्ता यही था कि बहिष्कार कर देते चुनाव का, कि हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे अगर ईवीएम से। आप तो इलेक्शन के बीचों बीच, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मैं जो रिट लगाई थी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इतना बड़ा तामझाम, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सेट हो गया, इलेक्शन की तारीखें हो गई, कुछ दो दौर के, दो चरणों के इलेक्शन हो गए, उसके बाद में आपके जो नेता हैं वो आरोप लगाते हैं, ईवीएम को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, मेरे ख्याल से सही लिया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल तो उठ रहे थे लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हो रहा था बहुत बहुत बड़ा। तो अब आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या बहिष्कार करेंगे ईवीएम का? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं विजय जी, ईवीएम का विरोध नहीं है, ईवीएम पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका निस्तारण होना, बार बार बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है और उन सवालों का निस्तारण लोकतंत्र के लिए जरूरी है, उन सवालों का निस्तारण विपक्ष और कांग्रेस के लिए जितने जरूरी है उतने ही विकास जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूरी है। जब लोकतंत्र का सवाल हो ना तो उसे दफन नहीं किया जाता है, उस पर बहस की जाती है। क्या विकास जी और अभिषेक जी दोनों से मैं एक बात, क्या हम किसी मशीन में अगर कोई चीज है क्या उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है? क्या उसका मिसयूज नहीं हो सकता? अगर हम उसके मिसयूज नहीं होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं हम एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है विपक्ष का कोई एक्सपर्ट बैठ जाए और विपक्ष का एक्सपर्ट ऐसा बैठ जाए जो कहीं ना कहीं इसमें ईवीएम के अंदर जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है, काउंटिंग की जो प्रक्रिया होती है, इसके बीच में विजय जी एक्सपर्ट मेरी बात काम करे और इसमें सरलीकरण कर दे और इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ऐसा कोई रास्ता निकल सकता? मैं यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे 543 सांसदों में से एक भी सीट पे आप बता दीजिए जहां पे वीवीएट पैट मशीनें चेक करवाई विपक्ष ने या किसी दूसरी पार्टी ने। आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे, बहुत सही बात है, लेकिन वो चेक भी तो आपने करवाया क्या किसी किसी भी एक सीट पे?
आपको आपको पता है उसकी फीस कितनी रख दी? एक ईवीएम को चेक करने की फीस 40,000 रुपए, और वो चेक तब होगा जब चुनाव हो खत्म हो, उसके बाद तो चेक भी हो। एक ईवीएम की, अरे तो जब जब कांग्रेस पार्टी जब पूरे देश में इतना साल शासन किया, इतना तो आप एक सी एक ईवीएम उसके लिए मशीन के लिए 40,000 रुपए किसी आपके किसी भी प्रत्याशी ने, ये क्या आप विकास जी रुकिए रुकिए, उसमें मशीन को ईवीएम को चेक करने की परमिशन नहीं है, ध्यान दीजिए आप। आप पहले तो ये गलत, उसमें चेक क्या करना है? अरे ये बटन सुनो यादव जी, उसमें उसमें चेक ये करना था कि उसमें कितने वोट ईवीएम मशीन में आपके दिखा रहा है, उतने वोट आपके वीवीपैट मशीन में है या नहीं है, ये चेक करना था। लेकिन किसी ने चेक नहीं करवाए। जंतर मंतर पर पूरा सिविल सोसाइटी ने पूरा मॉक ड्रिल करके दिखाया है कि कैसे एक बटन दबाने पे वही बटन दोबारा दबाने पे कैसे वही पर्ची दोबारा से वही दिखती है। ये इतना सिंपल कि जंतर मंतर दिखाते प्रिंट प्रिंट होती है, वो दिखाई नहीं, दिखाई देने के बाद प्रिंट होके नीचे उसमें स्टोर होती है। रुकिए, आपसे कह रहा हूँ, जब मोबाइल फोन जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर का मोबाइल फोन होता है, जिससे जिससे ये जो आपके डिजिटलाइज बैलेट पेपर वोट होते हैं उनको अनलॉक करने का सिस्टम होता है, वो जब भारतीय जनता पार्टी के करके साले रिश्तेदार के पास जा सकता है तो क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? इलेक्शन कमीशन आज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो मुंबई की सीट, आपने तो चुनाव से पहले ये भी कहा था कि माननीय गृह मंत्री ने 150 कलेक्टर को आईएएस ऑफिसर्स को फोन किया है, वो लिस्ट कहाँ है? अभी तक आपने दी क्या वो लिस्ट? सिर्फ आप झूठे बयान करते हैं, कोई भी चीज प्रूफ आप नहीं कर पाए अभी तक। ध्यान दीजिए, आप ये बातों को इधर उधर ले जा करके ईवीएम पे उठने वाले सवालों का आप दबा नहीं सकते, दफन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे, इनका निस्तारण आप और हम मिलके करें कि नहीं करें। अब जब ये हमारा पार्लियामेंट का हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सवालों का जवाब खोजे, अगर आप इससे मुकरते हैं तो निश्चित तौर पर ही दाल में कुछ काला है, ये दिखाई देता। अच्छा अभिषेक जी, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? अभिषेक जी, किससे हो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो वोट लेंगे ना, आपको फर्क क्या पड़ रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि आप आके उसके पक्ष में खड़े हो जाते हो। मुझे तार्किक, अरे तो आप या तो ईवीएम का बहिष्कार कीजिए या वीवीपैट मशीनें चेक करवाइए या प्रूव करिए इसको। जब सीबी यादव जी आपके फेवर का सवाल मैं अभिषेक जी से पूछ रहा हूँ, इलेक्शन के दौरान कई जगह शिकायतें आई और शिकायतों में यही आया कि ईवीएम में जो पर्ची निकल बटन दबाया जा रहा है एसपी का या फिर कांग्रेस का और या बीएसपी का और पर्ची निकल रही है बीजेपी की, इस तरह के कई मामले देखने को मिले। यूपी में सबसे ज्यादा मिले हैं, कुछ जो पोलिंग बूथ बिहार के भी हैं वहां पर मिले हैं, कानपुर में, कन्नौज में, कई जगह पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली, कई शिकायतें, कई जगह तो पर्चियां भी चिपका दी गई भ्रमित करने के लिए, तो इस तरह का खेल रहा है। लेकिन उससे वो तो खैर सिस्टम के जरिए है, लेकिन ईवीएम का जहां तक है, ईवीएम में जो पर्ची वाला जो सिस्टम है, बटन दबाया जाता है कांग्रेस का या एसपी का और पर्ची निकलती है बीजेपी की, और इस तरह के वायरल भी हुए हैं वीडियो, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस तरह की चीजें तो रुकनी चाहिए ना, तो फिर ईवीएम सुरक्षित कैसे है? सर देखिए, यहाँ पर दो चीज़ है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये है कि अगर कोई वीडियो वायरल हुआ है तो क्या कभी उस वीडियो का एफएसएल फोरेंसिक जांच कराई गई कि क्या वो वीडियो सही है या फेक है वो वीडियो? उसमें गिरफ्तारियां भी हुई है, कुछ मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन ईवीएम ईवीएम को लेकर किसी तरह का कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ कि ईवीएम। मैं अपनी बात पे ही आ रहा हूँ यादव जी, एक मिनट, मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूँ एक बार। देखिए, जब ईवीएम से काउंटिंग होती है तो उसके दो तरीके होते हैं, यानी कि एक तो ये होता है जब बैलेट मशीन से बटन दबाया जाता है तो एक तो पूरा काउंट बता देता है कि हाँ बीजेपी को इतने मिले, एसपी को इतने मिले या कांग्रेस को इतने मिले, ठीक है। इसी के साथ जब हम बटन प्रेस, जब भी कोई मतदान करने वाला व्यक्ति जब वो बटन दबाता है तो वहां पर उसको एक पर्ची भी दिखती है, ठीक है, जिसमें कि जिससे कि उसको कंफर्म होता है कि मेरे द्वारा बीजेपी को वोट डाला गया या कांग्रेस को वोट डाला गया। तो क्रॉस चेक इस तरह से भी तो किया जा सकता है, जो मशीन का बटन दबाने के ऊपर जो काउंट आया है और पर्ची से भी तो मिलान करके वो किया जा सकता है।
मैं वही कह रहा हूं कि जो जो बटन दबाया जा रहा है, बटन जो किसी दूसरी पार्टी का है, दूसरे दल का है, और पर्ची लेकर बाहर निकाल कर लोग बाग जो मीडिया को, सोशल मीडिया को शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास तो बीजेपी की पर्ची बाहर निकली है, हमने बटन तो बीजेपी अगर ऐसा होता तो यूपी में इंडिया गठबंधन की इतनी सीटें कहां से आ गई, कैसे आ गई? देखो ये एक अलग एक नजरिया है, लेकिन ये एक अलग बात हो सकती है। कुछ बूथ्स पर इस तरह की शिकायतें आई है, कुछ जगह मेरा ईवीएम से पर्टिकुलर इशू, ईवीएम को लेकर जो बात है, ईवीएम कितनी सुरक्षित है, ईवीएम में क्या कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता क्या, इसीलिए पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा सब जगह मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक बूथ पे भी अगर मैनिपुलेशन हो सकता है तो उसको रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ताकि विपक्ष भी इस संतुष्ट रहे और जो ईवीएम पर जो लगातार जिस तरह के सवाल उठते रहे हैं उन पर विराम लगे। सर आज तक कोई प्रोसीजर इस तरह का नहीं है कि जो ईवीएम मशीन है उसको हैक कर सकें, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर क्या बोलते हैं, जैसे ईवीएम मशीन का भी मैंने आपको बताया कि मेन तो इसमें काउंट वाली बात आती है कि काउंट आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो उसमें पर्ची का ऑप्शन आ रहा है फिजिकली भी आप उसको काउंट कर सकते हैं, और उसको जो क्रॉस चेक है आप उसको मशीन के द्वारा जो काउंट आया उससे भी तो आप कर सकते हैं, उससे वो चीज हो जाएगी। अब रही बात आपकी नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, आप एक्सपर्ट लगाए रखे हो। मैं आपको बताता हूँ अभिषेक जी, मैं चूंकि मैं इसका बहुत स्टडी कर चुका हूँ तब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम नॉलेज रखते हो। पहली बात तो ये, एज ए साइबर एक्सपर्ट को ये नहीं कह सकता कि दुनिया के भीतर, दुनिया में कभी कोई 100% सुरक्षित प्रणाली बना सकता है क्या? आप दावा करते हो, आप बना सकते हो? बिल्कुल, हर चीज में कोई ना कोई लूपहोल होता है, हर चीज है। मैं मानता हूं, अरे जो चीज, हाँ, जब 100% नहीं कर सकते ना तो आप सर्टिफिकेट मत दो, पहला तो ये। अगर आप सर्टिफिकेट देते हो ना, दिया नहीं, मैं उसी बात पे कह रहा हूँ, दे दिया नंबर, मैं उसी बात पे कह रहा हूँ। दूसरी चीज देखो, आप देखिए, मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से दे रहा हूँ, आपको मैं नहीं, मैं आपको तकनीकी चीज बताता हूँ। पहले क्या होता था, जो वीवीपैट थी वो ट्रांसपेरेंट थी, सुनो, बाद में उसमें उसका ग्लास ब्लैक कर दिया गया। अब जैसे ही वो दबाते हैं 7 सेकंड के लिए केवल एक चीज दिखाई देती है, वो पर्ची है या वर्चुअली इमेज है, ये आप चेक नहीं कर सकते कि वो पर्ची है या वर्चुअल। पर्ची की जगह वर्चुअल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैं सवाल उठा रहा हूँ, पॉसिबल है कि नहीं है? मैं सिर्फ कह रहा हूँ पॉसिबल है कि नहीं है, वर्चुअल इमेज केवल 7 सेकंड के लिए। पर्ची जो दिखती है वो वर्चुअल इमेज हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकती है नहीं हो सकती वर्चुअल इमेज? मैं वही तो मैं बात कर रहा हूं, आपने क्या हुआ, आपकी साइबर एक्सपर्ट नहीं हो, मैं सिर्फ अभिषेक जी आपसे सवाल कर रहा हूँ, पॉसिबल है या नहीं है? संदेह कैसे, देखो जब तक संदेह नहीं होता विज्ञान विकसित नहीं होता। साइंस का स्टूडेंट हूँ तब आप बता रहा हूँ ये बात, विज्ञान विकसित ही संदेह से पैदा होता है, संदेह से ही चीजें शुरू होती है। जितने दुनिया में आविष्कार हुए हैं उनका आधार संदेह रहा है, अगर संदेह नहीं होता तो दुनिया में आविष्कार नहीं होते। ये जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज के 50 साल पहले इनके बारे में जानते भी थे क्या? ये सिर्फ संदेह से ही विज्ञान आगे बढ़ता है, आप समझिए। तो आप इन चीजों को सर्टिफिकेट ना दे, मशीन को, मशीन पे 100% विश्वास जताना, तो हम ना कोई ड्राइवर रखते ना आपके और हमारी जरूरत रहती, ये दुनिया रोबोट से ही चल जाती, बच्चे भी रोबोट ही पैदा कर देते। आप ऐसे एक्सपर्ट जो टेक्निक इसमें काम में ली जा रही है, एक जो टेक्निक इसमें काम में ली जा रही है उसको टेस्टिंग करने के बाद ही तो इसका वो आगे प्रोसीजर होता है। आज अभिषेक जी जो बात कह रहे हैं ना, आज के 100 साल बाद में वो सारी खारिज हो जाएगी, दुनिया इतनी आगे बढ़ जाएगी, इसलिए विज्ञान को किसी भी मशीन को ऐसी नहीं है जो मतलब 10 साल पहले भी चल रही है वो आज कंटिन्यू, हर एक चीज का अपडेशन होते रहता है। आज आज के 500 साल पहले बैठ करके कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसे मोबाइल लगा के ऐसे बात कर लेंगे, आप सोचिए इस बात को। साइंस का आप किसी आइडियोलॉजी से इतना इन्फ्लुएंस मत हुए कि आप कुछ एज एक्सपर्ट बात कर देंगे तो आपका कोई अपमान हो जाएगा या आपके कोई मतलब अपने भीतर कोई ऐसा चीज हो जाएगा कि पता नहीं आपने पाप कर दिया हो। देखिए ऐसा है कि ऐसा है विकास बालोटिया जी, इसी लगातार तो एज एक्सपर्ट आप मतलब सर्टिफिकेट देते हो, हमेशा मैं भी एक्सपर्ट रहा हूँ, उसमें यह होता है ये चीज पॉसिबल है, इसमें और सुधार की गुंजाइश है, इसमें मैं भी हो सकता है। जब यहाँ बैठ करके मंगल ग्रह पर हम मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए,
सुधार की गुंजाइश है या नहीं है, सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जब आप इसे सिरे से खारिज कर देते हो तो आप पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी का व्यक्ति होकर के यहाँ बैठ गए। मेरा ये मानना है कि जो विपक्ष भी कहीं ना कहीं अलग अलग जो चरणों में अलग अलग स्टेप पर जो एक्सपर्ट से राय लेता होगा और राय मशवरे के बाद ही इस तरह की बातें इस तरह के बयान करता रहेगा। अभी देखिए आप महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो नेता हैं संजय राउत, वो लगातार ईवीएम पर, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन तक पर सवाल खड़े किए थे पूरे इलेक्शन के दौरान, और ईवीएम को लेकर लगातार वे बयान देते रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, 100% गड़बड़ी, इस तरह के दावे। तो कहीं ना कहीं सौंप, मैं ये नहीं कहता, मेरी तरफ से नहीं कहता, लेकिन अगर किसी को कोई इतना बड़ा दावा कर रहा है तो कोई रास्ता निकाला जा सकता है इस पर, क्योंकि इस बहस को लंबी खींचने से एक संदेह की स्थिति रहती है और ये देश में लोकतंत्र का मान है का सवाल है, और ये पवित्रता से निष्पक्षता से चुनाव जो लड़ाने की जो दावा करता है इलेक्शन कमिश्नर, उस पर इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा होता है और सत्ता पक्ष पर भी सवाल खड़ा होता है। तो क्यों ना सत्ता पक्ष ही कोई पहल कर दे। मैं संजय राउत की एक बार जो बयान है वो सुनाना चाहूंगा, जो ईवीएम को लेकर जो अभी लेटेस्ट जो बनाए बयान आए हैं। ये क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सा एलिगेशन है, ये शिंदे कौन है, शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या, कौन है शिंदे, उनको क्या पता है। तो एनडीए के जो नेता हैं उन पर सीधे प्रहार कर रहे हैं। ये सवाल नहीं, नहीं विजय जी, विजय जी ये सवाल मेरा भी है, अभिषेक शर्मा जी एलन मस्क के बाप है क्या? मैं आपके सामने इसी चैनल पे दूसरा एक्सपर्ट बैठाता हूँ और ये पूरी बहस उलट जाएगी, पूरी बहस उलट जाएगी। मीडिया एक अजीबोगरीब भूमिका में है जहां वो प्रायोजित एक एक्सपर्ट बैठाता है, बिजला है और जनता को भ्रमित करता है, और ये पाप करना बंद कर दीजिए आप लोग। मैं आपको भेजता हूँ इसी डिबेट को, दोबारा करवाइए, मेरे द्वारा भेजा गया एक्सपर्ट बैठाइए आप, अगली बार आपका आपके द्वारा भेजा हुआ एक्सपर्ट है वो भी, उससे भी बात कर लेंगे, उसका पर्सनली हम इंटरव्यू ले लेंगे। हमारा इसमें कोई भी वो नहीं है कि एक तरफा हम एक रूपता से कोई बात कर रहे हैं, हम दोनों ही पक्षों को सुन रहे हैं और आपकी बात भी मैं रख रहा हूं। मैंने ये भी कहा है कि सत्ता पक्ष भी इसमें आगे बढ़ सकता है, अगर कहीं कोई संदेह की स्थिति है ईवीएम को लेकर और इलेक्शन कमीशन के कोई भूमिका को लेकर, मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ। आप ऐसे कह सकते हैं कि सारे ही मीडिया को एक जो उसमें नहीं देख सकते आप। अभिषेक जी आप जवाब दीजिए जो यादव साहब की बात का, यादव साहब ने कहा है कि मैं अपना एक्सपर्ट लेकर आता हूँ और ये पूरी की पूरी डिबेट पलट जाएगी। बिल्कुल मैं एग्री हूँ, बुला लीजिए, बिल्कुल आप बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यादव साहब एग्री हैं वो, और नेक्स्ट जो अब जो डिबेट में बैठेंगे हम निश्चित तौर पर एक्सपर्ट, मैं बेसिकली बेसिक सवाल का भी अभिषेक जी के पास जवाब नहीं है, बेसिक सवाल का भी। ये तो एक्सपर्ट मैं आपको बता तो रहा हूँ, हम केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, हम मीडिया से भी लड़ाई लड़ रहे हैं उतनी बड़ी। हम मीडिया के द्वारा प्रायोजित जो प्रायोजित, मतलब आप देखिए मीडिया किस तरह से प्रायोजित मुसलमान बैठा देते हैं, प्रायोजित एक्सपर्ट बैठा देते हैं, प्रायोजित विश्लेषक बैठा देते हैं। हमने मीडिया से क्या लड़ाई कम लड़ रहे हैं क्या? और अब हम मीडिया से डरते नहीं है, हम मीडिया से उसी बेबाकी से लड़ाई लड़ते हैं। हम कहते हैं हमें आपके आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। जब मीडिया गुलाम हो जाता है तो लोकतंत्र पंगु हो जाता है, और हम ये लड़ाई पुरजोर तरीके से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लड़ते हैं। अब हमारी आंखों में शर्म भी नहीं आपसे लड़ाई लड़ने की। यादव साहब आपका एक मीडिया का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है उसने विपक्ष का भी साथ दिया, विपक्ष के का भी जो की बातों को भी रखा है, ऐसी बात नहीं है, और आप सभी को एक ही लाठी से नहीं आंक सकते, सभी तरह के जो मीडिया को। डिजिटल मीडिया ने पूरी तरह से पूरी निष्पक्षता से काम किया है और आज हम भी उसी भूमिका में खड़े हैं, दोनों ही जो पक्ष हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को दोनों की रायों को एक ही मंच पर रखते हैं और उनका कंक्लूजन भी एक ही तरीके से करते हैं। आप एक ही लाठी से आंकने की बात मत कीजिए मीडिया को, क्योंकि मीडिया है जो जिसके जरिए छुटभैया नेता भी बड़े जो तमगे लगाकर ना इस जो इसी देश में बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं, इस बात से आप इत्तेफाक मत रखिए बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं ये कि मीडिया पर सीधे आप सीधे आक्षेप लगा रहे हैं। मैंने लगातार विकास बालोटिया जी से आपके आपका जो सवाल था उनके जवाब पूछे,
अभिषेक जी से भी पूछा, अभिषेक जी ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने इस बात को भी एग्री कर लिया कि बुला लीजिए आपके एक्सपर्ट नेक्स्ट मीटिंग में आपके एक्सपर्ट से पहले। मैंने ये भी कहा है कि निश्चित तौर पर विपक्ष में भी बड़े बड़े दिग्गज जो एक्सपर्टाइज लेके बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, एडवोकेट्स है, जो रिटायर्ड जज है, वो ईवीएम को लेकर डिस्कस करते ही होंगे एक्सपर्ट से, और उसके बाद ही इस तरह के बयान देते हैं। बिना गैर जिम्मेदारान तरीके से इस तरह के बयान नहीं दे सकते। मैंने ये भी कहा कि एलन मस्क हैं, वो इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, वो इस तरह के गैर जिम्मेदारान बयान नहीं दे सकते। फिर आप इस तरह कैसे कह सकते हैं कि मीडिया पूरा प्रायोजित तरीके से जो कार्यक्रम करता है, डिबेट करता है। मैं विजय जी आपके जो सवाल लिए उनको मैं मानता हूँ कि वो एक पत्रकारिता की एथिक्स के अनुकूल थे, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो मीडिया का एक बड़ा वर्ग जिससे हमने लड़ाई लड़ी है, और मीडिया विपक्ष के साथ भी खड़ा रहता है, ये बात ही अपने आप में बहुत गलत है। मीडिया को हमेशा ही विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। मीडिया होता ही इसलिए है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष पे दबाव बना, मीडिया किसी के पक्ष में नहीं, मीडिया सत्य के पक्ष में होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मीडिया के मायने हैं वो भी यही है कि वह जो सही है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करे, और एक एक समाज के तौर पर, सामाजिक तौर पर, और लोकतंत्र के जो एक बहुत बड़े हिस्से के तौर पर अपनी भूमिका निभाए, मैं यही मानता हूं। और उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, नो डाउट। और मैं भी जो डिबेट में आज मैंने जो सवाल पूछे उसमें निष्पक्षता से ही सवाल पूछे, आपको एक तरफा मैंने कोई ट्रोल करने की कोशिश नहीं की है, और ना ही विकास बालोटिया जी को ट्रोल करने की कोशिश की है। मैं संतुलित बातें कर रहा हूं, तो तीनों जो आप डिबेटर्स अपने अपने क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं उनसे अपनी अपनी राय पूछ रहा हूं। बालोटिया जी, आपसे ही सवाल है कि अब ये बहस है ईवीएम की, ये तो लगातार चलती रहेगी, और लोकतंत्र का ये देश है, इसमें इसकी पहचान कहीं ना कहीं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में होती है, और इसमें अगर पहल सत्ता पक्ष की तरफ से हो जाए, क्योंकि ईवीएम का विरोध विपक्ष में बैठकर आप लोग भी करते रहे हैं, कल को सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बन जाती है फिर आप लोग भी हो सकता है ईवीएम को लेकर, क्योंकि फिर सिस्टम इनके हाथ में आ जाएगा, तब आप लोग भी बहस कर सकते हैं, आप लोग भी सवाल खड़े कर सकते हैं कि इनके हाथ में सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन इनका है, और ये जो इलेक्शन कमीशन की जो गतिविधियां हैं उन पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं, जो ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। तो क्यों ना इस बहस को ही खत्म कर दिया जाए, कोई रास्ता निकाल लिया जाए, साथ में मिलकर एक जॉइंट कमेटी बना ली जाए। इसके लिए चीजें हम सब लोग करने के लिए तैयार हैं, मना किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने जो सबूत मांगे वो भारतीय जनता पार्टी ने सबूत दिलाए हैं, उनको प्रोवाइड करवाए हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है। लेकिन पहल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्यों लिटिगेशन में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है इसमें सीधे तौर पर अगर सत्ता पक्ष कह दे कि भाई आपको विपक्ष को संदेह है तो आइए ये कमेटी बनाते हैं, इस कमेटी में आपके जो पदाधिकारी उनको बैठाते हैं, आपके एक्सपर्ट्स को बैठाते हैं, और हम कोई रास्ता निकालते हैं इसमें, महीने में, दो महीने में, तीन महीने में, छह महीने में कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन ईवीएम पर जो देश में बहस हो रही है, और ये बहस सिर्फ न देश में हो रही है, अब तो वैश्विक हो गई है, और भारत में जो ईवीएम को लेकर जिस तरह के ट्वीट चलते हैं, जिस तरह के बयान चलते हैं, जिस तरह का मीडिया में जिस तरह का ट्रोलिंग चलती है, वो कहीं ना कहीं विश्व पटल पर भारत की इज्जत को कम कर रहा है। तो क्यों ना कहीं सत्ता पक्ष कोई पहल कर ले, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन इसमें ईगो क्यों आ रही है, क्यों डिफेंड कर रहा है बार बार सत्ता पक्ष कि नहीं हम तो ईवीएम से कराएंगे? सुप्रीम कोर्ट में सत्ता पक्ष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के जो जवाब में भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष ने अपने जो भी सबूत है वो उनको सौंपे हैं। यादव साहब, अब आप बताइए आपका क्या स्टेप रहेगा, अगला स्टेप क्या रहेगा आपका, क्योंकि ये बहस है, ये बहस होगी, आगे छिड़ती चलती रहेगी। इस पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने आईटी मिनिस्टर रहे राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भी अपना पक्ष रख दिया है, या यूं कहें पटाक्षेप कर दिया है इसको, जो एक आवाज उठी थी उसको दोबारा से उस पर पलटवार कर दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, चुनावों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई स्टेप आप उठाइए या तो बड़ा,
या तो चुनाव का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि अब चार राज्यों में चुनाव आने वाले विधानसभा के, नहीं तो फिर चार विधानसभाओं के चुनाव में आप चार में से दो या तीन जीत गए तो आप फिर खामोश हो जाएंगे, और अगर चार में से तीन हार गए, तीन लूज कर दिए, तो फिर आप सवाल खड़े करेंगे। तो इस बात को लेकर आपका क्या स्टैंड है, या तो कोई प्लानिंग की होगी आपने, या फिर कोई प्लानिंग कीजिए। आए दिन इस तरह की ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करना, और कहीं ना कहीं जो जनता का जो विश्वास है लोकतंत्र के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं डगमगाता है कि ये क्या चल रहा है देश में। तो इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, या तो बैठकर निकालना पड़ेगा, या फिर विरोध के तौर पर निकालना पड़ेगा। तो दोनों के लिए, दोनों को ही तैयार होना पड़ेगा। या तो विपक्ष तैयार हो कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, विरोध में बैठेंगे, इलेक्शन को पूरी तरह बॉयकॉट करेंगे, या सत्ता पक्ष कहे आगे बढ़कर कि हम साथ में बैठकर कोई निर्णय निकालते हैं, ताकि इस ईवीएम की बहस से छुटकारा मिले, और इस पर जो लोकतंत्र के जो इस जो पवित्र पावन जो महोत्सव है चुनावों का, इस पर सवाल खड़े होना बंद हो। विजय जी, विपक्ष है वो केवल जनता की आवाज को रखता है। मैंने पहले भी कहा ये बात कि हम जो आप स्टेप बता रहे हैं वो एक्सट्रीम स्टेप होते हैं। लोकतंत्र के बहुत सारे साधन हैं जिसके माध्यम से दबाव बनाया जाता है, और संवाद से बेहतर कोई चीज नहीं है। हम जो कोशिश कर रहे हैं वो संवाद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे एक आम सहमति, एक जॉइंटली मिलकर के कुछ रास्ता निकाला जाए। वो स्थिति तो फिर अंतिम तौर पर स्थिति है कि आप बिल्कुल एक एक्सट्रीम स्थिति है। कभी भी डायरेक्टली वहां जाना, मुझे लगता है कि विपक्ष का लोकतंत्र में बहुत बड़ा विश्वास है, इसलिए वो ऐसा नहीं करने वाला। अभी इसकी स्थिति अभी है। विकल्प बताया है विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने चुनाव से पहले बहुत सिंपल और सरल विकल्प बताया, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसको रखा है। और विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि ईवीएम वीवीपैट मशीन से जो पर्ची आती है, उस पर्ची को वोटर खुद वेरीफाई करके बैलेट बॉक्स में डाले और फिर उनकी काउंटिंग हो जाए। इस प्रक्रिया में ना तो कोई अतिरिक्त खर्चा है, ना कोई और चीजें हैं, लेकिन एक विश्वास का हमने न केवल सवाल उठाया बल्कि हमने एक विकल्प भी दिया उसमें। अब उस विकल्प को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और उसके पक्ष में आके खड़ी हो जाती है, तो ये चीज और संदेह के घेरे में आती है। और ये अगर ये संदेह के घेरे में आती है तो विपक्ष ने जनता, पहले भी जनता ने ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हमारे पास तो संसाधन ही नहीं थे विजय जी, मिनिमम संसाधन थे। इनके पास पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा था, इनके पास जो है मीडिया था, इनके पास संस्थाएं थी, इनके पास जो है इलेक्शन कमीशन था। उनसे जो चुनाव लड़ा है वो विपक्ष ने नहीं लड़ा, इंडिया गठबंधन ने नहीं, जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने मात दी। तो आगे भी उनको जनता पर विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से तानाशाही रवैया रखी किसी मुद्दे पे, तो जनता सड़कों पे उतरेगी, और जब जनता सड़कों पे उतरेगी तो विपक्ष या कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज बनकर के हम सामने आएंगे। जब जनता मैं ये कह रहा हूँ, चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी या विपक्ष जीत जाएगा, तब भी ये सवाल गौण नहीं होगा। हमारा इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन आप ही लोग बेहतर बता रहे हो, तो क्या हमने सवाल को गौण कर दिया? सवाल अपनी जगह रहेगा, सवाल कभी भी किसी परिणामों से कभी सवाल खत्म नहीं होते हैं, सवाल अपनी जगह रहेगा। हमने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये सुधार करेंगे। तो जब ये सुधार करने का हमने सरकार बनने के बाद में भी वादा कर लिया, इसका मतलब है चुनाव परिणामों से सवाल दफन नहीं होते हैं, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। सवाल अपनी जगह है, सुधार की अपनी एक निरंतर प्रक्रिया है। ईवीएम भी सुधार का एक चरण के तौर पे आई थी, पहले पुरानी व्यवस्था में कमियां थी, अब इसमें जब खामी आई है तो जांच होनी चाहिए, उठने वाले सवालों का और संदेह का निस्तारण होना चाहिए। ये इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है। अच्छा, आखिरी चुनाव आयोग का पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए, और एक बेहतर लोकतंत्र के लिए यही सबसे उचित है। अगर इससे अगर कोई चीज जाती है तो लोकतंत्र नहीं, डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी, जैसे कि रशिया में है, जैसे कि टर्की में है, जैसे कि किम जो चुन करता है, उसी तरह की डेमोक्रेसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आखिरी सवाल अभिषेक जी आपसे है। आपने दोनों, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुना, और मैंने भी अपना पक्ष रखा है। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इस देश, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अगर इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर एक साथ एक ही जो रोड मैप तैयार करके अगर चलेंगे,
तो कहीं ना कहीं विश्वास कायम होगा जनता का लोकतंत्र के प्रति। और जहाँ तक एक ईवीएम का एक डिवाइस का मामला है, तो इसमें कोई एक्सपर्टाइज को बैठकर कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए ताकि संदेह खत्म हो जाए, क्योंकि संदेह इसलिए होता है, मेरा मानना ये है कि संदेह इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम दूसरे दल के पास चला जाता है। आज एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी पीएम है, तो आज विपक्ष सोचता है कि वो उन्होंने सिस्टम को हैक कर लिया है, उस पर संदेह है। कल को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, विपक्ष में अगर एनडीए बैठा, बीजेपी बैठी, तो ये संदेह हो सकता, तो इस पर विराम लगना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपका क्या कहना है इस पर? अभिषेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि या तो दोनों ही पक्षों को मिलकर कुछ इस तरह की टेक्निक निकाली जाए, ठीक है, या फिर दोनों ही टीमों के एक्सपर्ट्स मिलकर कुछ इस तरह की टेक्निक निकाले कि इस तरह का आगे जाके कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो, सबसे बेटर वो होगा, जिसपे जिससे दोनों ही जो पक्ष और विपक्ष हैं दोनों ही एग्री हों। अगर इस तरह का होता है, ये भी अगर मिलकर दोनों चलते हैं एक साथ, तो भविष्य में कभी इस तरह की ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा, ना ही कोई इस तरह की कोई परेशानी किसी के साथ में होगी। खैर, ईवीएम की जो ये बहस है कहां तक जाएगी कहां नहीं जा सकता, लेकिन वैश्विक स्तर पर अब इस पर सवाल खड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पर जो ये सवाल खड़े हुए हैं इस पर जो तमाम लोकतांत्रिक देश हैं उनको सोचना चाहिए, और सबसे ज्यादा भारत को सोचना चाहिए, क्योंकि भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और अगर सत्ता पक्ष एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर इसमें पहल करते हैं और विपक्ष को साथ लेकर कोई नज़ीर पेश करते हैं, तो लोकतंत्र में एक ऐसी पहल की जो स्थापना होगी जिसको दुनिया मानेगी और दुनिया उसको फॉलो करेगी। फिलहाल आज की जो डिबेट में हमारे साथ जो जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से विकास भालोटिया जी आज जुड़े थे, डॉक्टर सीबी यादव जी कांग्रेस से, और जो साइबर एक्सपर्ट के तौर पर अभिषेक शर्मा जी जुड़े थे। बहुत खास रही आज की डिबेट, अगली जो डिबेट में फिर मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।